आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। सर्दी में संक्रमण बढ़ने की आशंका पर एसएन मेडिकल कॉलेज में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन टैंक लगाया गया है। इसका ट्रायल कर मरीजों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति शुरू कर दी गई है। पहले यहां 60 लाख लीटर ऑक्सीजन की क्षमता का टैंक लगा था, लेकिन अब इससे कई गुना ज्यादा लगा दिया है। बदलते मौसम और सर्दी के सीजन में संक्रमण बढ़ने की आशंका पर एसएन मेडिकल कॉलेज में तैयारियां जोरों पर हैं, जिसके चलते एसएनएमसी में संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए 110 लाख लीटर का ऑक्सीजन टैंक लगाया गया है, जिसकी मदद से मरीजों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति शुरू कर दी गई है। पहले यहाँ 60 लाख लीटर ऑक्सीजन की क्षमता का टैंक लगा था। ये टैंक की कैपेसिटी तो बहुत पहले ही डिसाइड कर दिया था बढ़ाने के लिए। उसका कारण ये था कि जब हमारे यहाँ पे बहुत दोनों हॉस्पिटल भर गए थे तो ऑक्सीजन कंजप्शन बहुत बढ़ गया था। हमारे यहाँ सारी मशीनें चल रही थी, वेंटिलेटर्स, एचएनएफसी, बाईपैप, ऑक्सीजन बहुत हाई मात्रा में चल रहे थे, तो उसकी वजह से 6 KL का टैंक था, उसकी कैपेसिटी बहुत कम पड़ जा रही थी। अभी मरीज कम है, हमारे पास 62 पेशेंट्स हैं, लेकिन हमें ये उम्मीद है कि जैसे ही दिवाली के बाद या दिसंबर पहले हफ्ते में अचानक से मरीज बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे तो हम उसी स्थिति में ना पहुंच जाएं। तो इसकी वजह से हमारा ये हो रहा था कि 6 लीटर का जो 6 KL का टैंक लगा था लिक्विड ऑक्सीजन, उसकी वजह से हमें कई बार आखिरों के दिनों में तो जब फुल था हमें टैंक 2 बार भरना पड़ रहा था। तो वहीं एमसीएच विंग में स्थित कोविड अस्पताल में 100 बेड और बाल रोग विभाग में बने 100 बेड के आइसोलेशन वार्ड के लिए इस टैंक से ऑक्सीजन की आपूर्ति होगी। इन दोनों ही वार्ड्स में जरूरत पड़ने पर बेड की संख्या बढ़ाई जा सकती है। इस लिहाज से मरीजों के लिए ऑक्सीजन कम न पड़े, इस कारण टैंक की क्षमता बढ़ाई गई है, जिस कारण यहां लगे 6000 किलोलीटर की क्षमता के टैंक को हटाकर नया टैंक लगाया गया है। बुधवार को तकनीकी टीम ने इसका ट्रायल कर ऑक्सीजन भर दी है। अब सीधे ICU आइसोलेशन वार्ड में मरीजों को ऑक्सीजन पहुंचेगी। 150 लाख लीटर का ऑक्सीजन टैंक पहले से नई सर्जरी वाली इमारत के पास बना हुआ है। आपात स्थिति में यहां से भी संक्रमित मरीजों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति की व्यवस्था है। हमारे पास में टोटल अभी तक 100 वेंटिलेटर सरकार ने आ चुके, जो पहले थे उसके अलावा, तो टोटल हमारे पास 149 वेंटिलेटर्स हैं, जिसमें कोविड के लिए हमारे पास में लगभग 104 वेंटिलेटर्स हमारे पास में बेडों की संख्या थी वो लगभग 200 बेड है, लेकिन हमारे पास में करीब 50 बेड रिजर्व में है। देखिए, बाई चांस अगर बढ़ती भी है तो वो हमारे आखिरी मतलब अगर मान लो बढ़ भी जाती है तो हमारे पास में है, जगह है, लेकिन हमारी सरकार ने हमसे उम्मीद की है कि हम 145 ICU बेड्स बनाएं। ICU बेड का मतलब है वेंटिलेटर बेड नहीं, ICU मतलब ऑक्सीजन भी होगा, HNFC भी होगा, बाईपैप भी होगा और उसमें वेंटिलेटर भी होंगे, तो उसमें 30 बेड की एक यूनिट बनाई गई है, तो 30 बेड की, तो एक यूनिट में 5 वेंटिलेटर होंगे, तो हमारे पास 5 यूनिट्स हैं, तो 25 वेंटिलेटर्स की सरकार हमसे उम्मीद करती है। सर्दी में सितंबर से अधिक मरीज बढ़े तो इसके लिए पहले से ही 100 बेड की अतिरिक्त व्यवस्था बनाई जा रही है। ICU में भी बेड्स बढ़ेंगे, इसके लिए 62 वेंटिलेटर मिलने के बाद इनकी संख्या 132 पहुंच गई है। 20 ICU बेड भी आ गए हैं। सी न्यूज़ के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट।